झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रांची के धुईवा स्थित शहीद मैदान में कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलवाई। बता दें कि चंपाई सोरेन ने बुधवार 28 अगस्त को देर शाम झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि हमने जो भी फैसला लिया है झारखंड के हित में लिया है। हम संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, पीछे नहीं हटेंगे। पार्टी हमें जो भी दायित्व देगी उसी हिसाब से हम काम करेंगे। झारखंड में विकास के साथ साथ आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए हम कदम उठाएंगे। आइए सुनते हैं कि उन्होंने भाजपा में शामिल होने से पहले क्या कहा। अठारह तारीख को ही हम पोस्ट कर दिया, जो पार्टी का जो स्थिति है, जो हम लोग बड़ा खून पसीना बहा के हम लोग पार्टी संगठन को बनाया और उस जगह में हमारा जो भी हमारा साथ राजनीतिक अतिक्रम हुआ उस पार्टी के अंदर, हमने उसको बोल चुका है कि अभी ऐसा पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं है जहां पर अपना पीड़ा को हम रख सकते हैं। इसीलिए हम वहां से निकला, अकेला निकला। हम बोला उस पार्टी का संगठन को नहीं तोड़ेंगे, बनाया हम। कभी हम सोचा था हम सन्यासी हो जाएंगे, राजनीति छोड़ दूंगा। कभी सोचा हम संगठन नया बनाएंगे। कभी ये भी सोचा कि हम रास्ता में कोई अच्छा साथी मिलेगा तो हम झारखंड के लिए हम सक्रिय रूप से राजनीति फिर से करूंगा। इसीलिए हमको साथी मिल गया, बड़ा दल मिल गया देश के अंदर और भारतीय जनता पार्टी में आज हम सदस्य ग्रहण करेंगे। और वहां से झारखंड के लिए जो लड़ाई हम पहले जैसे लड़ाई लड़े थे, हम जो बड़ा जलन मुद्दा है आदिवासी का अस्तित्व का जो संकट पैदा हुआ, हम देखा कि दूसरा दल से हम इस बात को नहीं रख सकते। इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी को हम चुना और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास एवं गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास में रहा कि झारखंड को विकास भी करना है, यहाँ का आदिवासी का अस्तित्व को बचाना है, मूलवासी के अस्तित्व को बचाना है। झारखंड को ये बड़ा धनी प्रदेश है, उस प्रदेश को हमने अच्छा से संवारेंगे, ये मेरा मन में आया